नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में और कंप्लीट जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। कब आपको बाय करना चाहिए, कब आप एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसके लिए भी हो, तो कंप्लीट रूप से इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फंडामेंटल को भी समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को भी समझेंगे, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है और यह जो कंपनी है ये मार्केट लीडर है और ये कंपनी FMCG सेक्टर की है और वो कंपनी हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने ITC के बारे में बताया था, काफी लोगों ने अच्छा कहा, तो इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों ये जो शेयर है काफी इवोल्ड ग्रीन शेयर है। देखिए यहाँ पर जब देखिए अप्रैल महीने 2020 में जब सारा स्टॉक गिरावट में था, तो ये स्टॉक यहाँ पर मार्च में गिरावट तो हुआ लेकिन अप्रैल में ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2615 रुपये का, और यही ऑल टाइम हाई अभी तक है, अपने ऑल टाइम हाई को ये स्टॉक ब्रेक नहीं किया है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक में डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है जब स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक में गिरावट हो रहा हो, क्योंकि FMCG सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं वो इवर ग्रीन स्टॉक होते हैं और इसमें आप इजिली जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इजिली आप इससे मतलब जो आप इसको सेल करके निकल भी सकते हैं, काफ़ी आसान स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ पर हमने वीकली चार्ट लगाया है, देखिए डेली चार्ट में इस स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये स्टॉक जो होता है वो बहुत ही स्लो मूव करता है FMCG सेक्टर के स्टॉक। तो इसको क्या करना है, जब भी आप देखिए 50 मूविंग एवरेज जो है वीकली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज जो है ये 50 मूविंग एवरेज के पास आ जाए या उसके नीचे आ जाए जब भी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जब जब मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब जब ये इसके नीचे आए तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए। जब जब 50 मूविंग एवरेज के नीचे आए वीकली चार्ट पर आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए और बने रहिए। अगर कभी RSI 40 से नीचे आ जाता है तो इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 40 से नीचे आ गया तो हो सकता है एक बड़ा करेक्शन आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। लेकिन जल्दी आपको इसमें 40 के नीचे RSI देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इतना वीक स्टॉक ये नहीं है। जो FMCG सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स है जैसे आपको HUL हो गया, आपको डाबर हो गया, कॉलगेट हो गया, ये सारे स्टॉक में आपको एक बड़ा करेक्शन देखने नहीं मिलेगा। बस ये इसमें देखिए छोटा सा करेक्शन होता है, फिर स्टॉक मूव करता है, फिर करेक्शन होता है, फिर मूव करता है, तो इस तरह से आपको ये स्लो प्रोसेस में ये आगे बढ़ता मिलेगा। देखिए यहाँ पर लो बनाया लगभग 1500 से नीचे का, यहाँ पर फिर लो बनाया लगभग 1660 का, फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो लो बनाया था, जो गिरावट हुआ था मार्च में, इसमें लगभग 1750 का बनाया, फिर यहाँ पर देखिए लो बना रहा है ये लगभग 2000 का, फिर यहाँ पर लो बना रहा है 2100 के आसपास का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा ये हायर लो बनाता है, लगातार लो जो है हायर होते जा रहा है, इस तरह से ये स्टॉक लगातार मूव करता है। तो इस तरह से आप इजिली जो है HUL में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कब इन्वेस्ट करना, जब भी ये जो 50 मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर उसके पास आए तो आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट हो रही है, अगर ये करेक्शन यहाँ तक आ जाता है 50 मूविंग एवरेज के आसपास या इसके नीचे, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड मत रहिए जब ये 200 डे मूविंग एवरेज को अगर ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट मतलब एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। ऐसे ये कभी भी 200 डे के मूविंग एवरेज को आप देखिएगा तो वीकली चार्ट पर ये ब्रेक नहीं किया है, आप देखिए पीछे चलते जाइए, कभी भी ये 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ तक कि 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर उसको भी ये ब्रेक नहीं किया है, देख सकते हैं कभी भी ये ब्रेक नहीं किया है पिछले कई सालों से, अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो। तो इसलिए ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन है, मार्केट क्रैश होता है कभी भी तो भी इस स्टॉक में कोई खास गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 50 मूविंग एवरेज के पास है उस समय मार्केट क्रैश होता है तो थोड़ा सा इसमें गिरावट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा 100 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है, तो उस समय आप हैवली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इवर ग्रीन स्टॉक है। इसमें आपका जो रिटर्न होगा वो बहुत ही लेस होगा, आपको रिटर्न इसमें एनुअली रिटर्न की बात कर आपको 20% मिल सकता है, 20% कभी आपको 30% में मिल गया, लेकिन इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा काफ़ी सिक्योर होगा इस सेक्टर के स्टॉक में, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा, आपका काफ़ी बेहतरीन डिसीजन भी होगा इसमें इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स का। देखिए इसका मार्केट कैप जो है 5,55,000 करोड़ का है, तो एक ब्लू चिप कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और करेंट प्राइस 2365 रुपये के आसपास है, इसी के आसपास है, मतलब 2350 के आसपास ये स्टॉक अभी मूव कर रहा है।
डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.31% का डिविडेंड यील्ड है जो कि काफ़ी शानदार है, 1% से अधिक का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% शानदार, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 39% जो कि काफ़ी शानदार। अगर नीचे चलते हैं तो आप देखिए प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है इस कंपनी में 61.9% है जो कि काफ़ी शानदार है। कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है वो 7,995 करोड़ है जो कि काफ़ी शानदार है और 18% का प्रॉफिट ग्रोथ है। साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है, देखिए कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है और रिजर्व कंपनी के पास 47,000 करोड़ का रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रखा है 2700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार है। तो हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी शानदार है। आप कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देखिएगा वो भी शानदार है। देखिए सेल्स 2010 में था 17,000 करोड़ का, बढ़कर के 47,000 करोड़ हो गया। तो देखिए लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखिएगा तो यहाँ पर 2100 करोड़ का था 2010 में जो कि बढ़कर के हो गया 7,995 करोड़ का, लगभग 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 2021 में। तो काफ़ी शानदार है, फाइनेंशियल 2021 में 8,000 करोड़ पर पहुँच गया, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है, 2400 करोड़ का जहाँ यह रिजर्व था ये बढ़कर के 47,000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो कंपनी का इस 2021 में निगेटिव रहा है, लेकिन कंपनी काफ़ी शानदार है। कैश फ्लो देखिए पिछले साल पॉजिटिव में था, इस बार थोड़ा सा निगेटिव कैश फ्लो रहा है कंपनी का, तो ये थोड़ा सा निगेटिव साइन है, ये भी ध्यान देना है। लगातार कैश फ्लो निगेटिव होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है कंपनी के अंदर, तो वहाँ से हो सकता है स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट या जबरदस्त करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। प्रमोटर्स होल्डिंग कई सालों से मतलब 2020 जून से यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, उससे पहले थोड़ा सा इसमें स्टेक सेल हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा था। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 12% का है और DIs के पास 10% का, FIs के पास 14% का, तो काफ़ी शानदार प्रमोटर्स का होल्डिंग है, रिटर्न भी काफ़ी शानदार है। और कंपनी के बिजनेस को देखते हैं, रिटर्न अगर आपको देखना हो तो कहीं पे भी आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं रिटर्न काफ़ी शानदार रहा है कंपनी का। चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अपटेंड में चार्ट रहा है, तो कभी भी आप यहाँ पर चार्ट पे कंपनी का रिटर्न देख सकते हैं कि रिटर्न कंपनी का कितना रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और HUL जो है FMCG सेक्टर का काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। यहाँ पर आपको कई सारे प्रोडक्ट देखने मिल जाएंगे, आप HUL.co.in पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट को और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ ब्रांड, ये जो ब्रांड है इस ब्रांड वाले ऑप्शन में जाना है, जैसे ऑप्शन में आते हैं नीचे आपको इस तरह का पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट, फूड रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, वाटर प्यूरीफायर प्रोडक्ट, तो ये सारे प्रोडक्ट है जो ये कंपनी सेल करती है। तो देख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है, काफ़ी सारे वेल नोन ब्रांड है, देखिए AXE काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड है कंपनी के पास, बहुत सारे ब्रांड है। अगर कोई एक ब्रांड जो है मार्केट में अगर मतलब थोड़ा सा बीट कर जाता है, कोई दूसरी कंपनी बीट कर देता है इसके ब्रांड को, फिर भी इस कंपनी के पास बहुत सारे ब्रांड है जो कि मार्केट को लीड करता है। डव, हॉर्लिक, आप इसमें बहुत सारे कंपनी के ब्रांड को खुद यूज करते होंगे, मैं खुद यूज करता हूँ अभी तक, आपने जो देखा AXE, डव, हॉर्लिक्स, ये सारे हर कोई यूज करते हैं लगभग। आप देखिए लक्स आप यूज करते हो, लाइफ बॉय हम भी यूज करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ब्रांड है। देखिए नीचे चलते जाइए, पॉन्ड्स, पेप्सोडेंट, देखिए पेप्सोडेंट आप फिल, सर्फ एक्सेल, इस तरह से सनसिल्क, चलते जाइए देखिए बहुत सारे ब्रांड, फेयर एंड लवली, क्लोजअप, देखिए आप पेप्सोडेंट यूज नहीं करते हैं तो क्लोजअप यूज कीजिए, दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है। पियर्स, लैक्मे, रिन, अगर सर्फ एक्सेल आप यूज नहीं करते हैं तो रिन यूज कीजिए, रिन नहीं यूज करते हैं तो विल यूज कीजिए, सबके सब ब्रांड इसी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। देखिए सर्फ एक्सेल आप बीम पाउडर यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, ये भी इसी कंपनी के ब्रांड है। नीचे चलिए क्लिनिक प्लस, ताजमहल, देखते जाइए सारे के सारे ब्रांड है यहाँ पर। किसान, जो किसान सॉस है वो इसी कंपनी के हैं। फिर आप और देखिए और सारे ब्रांड है यहाँ पर, सनलाइट, तो ये सारे ब्रांड जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं और इसमें से आपने देखा कई सारे ब्रांड मार्केट को लीड करते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, किसी भी पैंडमिक का भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से ये एक वेल नोन ब्रांड है और इस तरह के
कंपनी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिक्योर रहता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। अगर रिटर्न आपको ज़्यादा चाहिए तो रिस्क फिर आपका बढ़ जाएगा। आप मिड कैप में इन्वेस्ट करें या स्मॉल कैप में, तो वहाँ रिटर्न आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो फिर वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट हमारा काम करता है मार्केट में। अगर आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको एक कांस्टेंट जो 20% तक का रिटर्न दे सकता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहां सिक्योर रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।